हेलो दोस्तों दोस्तों चलिए आज लगे हाथों आपका इल्यूजन टेस्ट हो जाए, जिसमें आपको इल्यूजन और रियलिटी में फर्क समझकर नीचे कमेंट्स में आंसर देना है, जिसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। चलिए जरा इस फोटो को देखिए। ये एक व्हाइट और ब्लैक लाइन की एक इमेज है। दिखने में तो ये काफी नॉर्मल इमेज दिखाई दे रही है, लेकिन इस इमेज में एक नंबर छिपा हुआ है। महज 1% लोग ही इसका आंसर दे पाए हैं। जिनका आई सेट बहुत ही बेस्ट है वो इस नंबर को आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको कोई नंबर दिखाई दे रहा है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। जरा गौर से देखिए और फिर बताइए। चलिए अब इस तस्वीर को देखिए, जिसमें आपको एक गोल दायरा दिखाई दे रहा होगा रेड कलर का। लेकिन अगर आप इस तस्वीर को थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस तस्वीर में एक और तस्वीर छुपी हुई है। चलिए आपको एक हिंट भी देता हूँ। इस पिक्चर में जो एक पिक्चर छिपी हुई है वो एक एनिमल है, और अगर आप उस एनिमल को देख पा रहे हो तो नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताइए। अब जरा इस फोटो को देखिए। इस फोटो में आपको कोई नंबर और किसी एनिमल को नहीं ढूंढना है। इस फोटो में एक छोटी सी मिस्टेक है, बस उसी को आपको ढूंढना है। अब इस फोटो को जरा गौर से देखिए और नीचे कमेंट्स में बताइए कि इस फोटो में क्या गड़बड़ी है। ओके, तो क्या आपको कुछ दिखाई दिया? और अगर नहीं दिखाई दिया तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जरा आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर 3 लड़कियां बेंच पर बैठी हुई है, लेकिन नीचे कोई बेंच ही नहीं है। लिटरली वो लोग हवा में बैठी हुई है। चलिए जरा इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर 2 स्पिनिंग सर्कल आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये काफी कंफ्यूजिंग माइंड ट्रिक है। अगर आप इन दोनों में से किसी एक डॉट पर फोकस करते हो, या तो रेड या तो येलो पर, अगर आप रेड पर फोकस करोगे तो येलो वाला सर्कल अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, और येलो पर फोकस करोगे तो रेड के अराउंड जो सर्कल घूम रहा है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। अब नीचे कमेंट्स में बताइए कि ये सर्कल किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब जरा इस चेयर को देखिए। ये देखने में काफी साधारण से चेयर दिखाई दे रही है। यहाँ पर सवाल सिर्फ इतना है कि चेयर का फेस किस तरफ है। जरा इस चेयर को गौर से देखिए और बताइए कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। इसे देखने पर तो लगता है कि चेयर का डायरेक्शन हमारी तरफ है, लेकिन ये एक किस्म का इल्यूजन है। चेयर का डायरेक्शन दूसरी तरफ है। अब जरा इस वीडियो को देखिए। सिर्फ 1% लोग ही इस चैलेंज को पास कर पाए हैं। वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है कि जो कार ड्राइव है काफी ज्यादा फास्ट हो रही है। आपको करना सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को उस जगह पर पॉज करना है जहाँ पर ये कार अपने कटआउट में फिट बैठती हो। चलिए अब जल्दी से इसे ट्राई कीजिए। चलिए अब एक सुपर कूल माइंड ट्रिक के बारे में बात करते हैं, और जो कि हम अभी हमारे बॉडी के साथ आजमा भी सकते हैं। तो मेरा एक सवाल है, जब हम एक्सीडेंटली गलती से हमारे जबान को अपने दांतों से काट लेते हैं तो हमें काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम हमारी जबान को खुद से काटने की कोशिश करें, हमारे दांतों के वजह से दबाए जोर से, तब हमें जरा भी दर्द नहीं होता। ये काफी सोचने वाली बात है नहीं? लेकिन एक मिनट, अभी आप अपने दांत से अपनी जबान को क्यों दबा रहे हो भाई? तो इसे कहते हैं दिमाग से खेलना। लेकिन सच में यार काफी सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है। अब जरा इस फोटो को देखिए, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? आप लोगों को यहाँ पर कोई वर्ड दिखाई दे रहा होगा जो कि है माइंड। लेकिन जरा अपनी आंखों को थोड़ी सी स्क्वीज कीजिए, बारीक कीजिए, और अब गौर से देखिए अब क्या दिखाई दे रहा है। तो इस फोटो को एडिट ऐसा किया गया है कि खुली आंखों से जब इस फोटो को देखा जाए तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है माइंड, और जब हम अपनी आंखों को थोड़ी सी स्क्वीज करते हैं तब हमें दिखाई देता है ट्रिक्स। अब जरा इस फोटो को देखिए, जिसमें आपको एक बिल्ली दिखाई दे रही होगी, लेकिन इस फोटो ने भाई पूरी दुनिया को कंफ्यूज करके रखा है। मेरा आपसे एक सवाल है, ये बिल्ली सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रही है या फिर नीचे की तरफ जा रही है? मुझे तो लगता है जिस व्यक्ति ने इस फोटो को खींचा है सिर्फ वही इसका सही आंसर दे पाएगा। लेकिन चलिए आप भी ट्राई कीजिए, अगर आपको सही आंसर पता है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब उसी तरह की इस दूसरी फोटो को देखिए, जहाँ पे आप एक लेडी को और एक हॉर्स को एक फ्रेम में देख सकते हो। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ भी सेम है कि ये दोनों कैमरे की तरफ आ रहे हैं या फिर कैमरे के दूसरी तरफ जा रहे हैं? भैया मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ, आप ही नीचे कमेंट्स में बताइए। ओके, अब जरा इस फोटो को देखिए, और इस फोटो में ना लेफ्ट की तरफ देखिए। क्या आपने लेफ्ट की तरफ देखा या फिर राइट की तरफ देखा? सच सच बताना मुझे। इस फोटो में भी काफी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि एरो जो है वो राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो मेरे लेफ्ट बोलने के बाद भी कई लोगों ने राइट की तरफ देखा है, गारंटी से बोल सकता हूँ। अब जरा इस वीडियो को देखिए, ये इल्यूजन मेरा काफी ज्यादा फेवरेट है। इस वीडियो में आपको इस छोटे से दिल की तरफ देखना है, वो भी महज 10 सेकंड के लिए। तो शुरू हो जाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब जल्दी से अपने आसपास की चीजों को देखिए, आपको सब कुछ स्ट्रेच होता हुआ नजर आ रहा होगा, है ना काफी अमेजिंग ट्रिक। चलिए अब आपको थोड़ा सा हेलुसिनेट किया जाए। अभी आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको अपनी आंखों को इस ब्लैक डॉट पर जमाए रखना है कुछ सेकंड्स के लिए। अगर आप इस फोटो को थोड़ा गौर से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक पेड़, कुछ बिल्डिंग्स, लेकिन ये कलर्स काफी ऑड है। आपको इस ब्लैक डॉट के ऊपर अपनी नजरों को जमाए रखना है, क्योंकि इस फोटो को देखने के बाद आपके सामने अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी मैं रख दूं तो उसमें आपको कलर्स दिखाई देंगे। चलिए अब महज 5 सेकंड के लिए आप इस फोटो को देखिए। 5, 4, 3, 2, 1।
और आप मैजिक देखिए। आप अपनी नजरों को उस ब्लैक डॉट पर रखिए और आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है उसमें आपको कलर दिखाई दे रहे होंगे, जबकि वो फोटो पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट है। अगर आपको भी इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के अंदर कलर दिखाई दे रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब एक ऐसे इल्यूजन को देखते हैं। इस ट्रिक के बाद आप अपनी हथेलियों को मूव करता हुआ महसूस करोगे। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। बिना पलकों को झपकाए इस रेड डॉट की तरफ गौर से देखिए। बस आपको इसी डॉट की तरफ देखना है बिना अपनी आंखों को यहाँ वहाँ किए हुए। ये ट्रिक सच में आपके दिमाग को चकमा दे देगी, और अगर ये इल्यूजन थोड़ा भी वर्क करता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बस अब आखिर के 10 सेकंड तक इस रेड डॉट की तरफ अपनी नजरों को जमाए रखिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब जरा अपनी हथेलियों को देखिए, है ना काफी ज्यादा क्रेजी। तो दोस्तों आपको ये इल्यूजन्स कैसे लगे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, क्योंकि इस बहाने आपके आंखों के और आपके दिमाग की एक्सरसाइज तो हो गई ना। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।